अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। कट वर्क ट्राउज़र डिज़ाइन है ये। इसके लिए सबसे पहले हमने सिंपली जो है वो ट्राउज़र का पीस ले लिया है और इसकी जो विड्थ है हमारे पास पॉइंट है जो है वो 14 इंचज़ का है। सो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है एक रफ पर पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है पेपर का और इसकी जो लेंथ और वेथ है वो 2-2 इंचज़ है। तो इसके ऊपर सबसे पहले इसका हम मेट कर लेंगे फोल्ड करके और इसके बाद यहाँ पर हम अपना पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके ऊपर हमने जो है नीचे से ऊपर की तरफ हमने एक पेटल ड्रॉ करनी है। पहले छोटी पेटल बनाएंगे और उसके बाद बड़ी पेटल बनाएंगे। बड़ी पेटल जो है वो हमने हाफ बनानी है क्योंकि सेंटर में फोल्डिंग वाली साइड है, तो ये ओपन होने के बाद जब हम कट कर लेंगे तो सेंटर का जो हाफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने दो पेटल्स बनानी है, पहली पेटल थोड़ी सी नीचे, दूसरी पेटल थोड़ी सी ऊपर और हाफ। इसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से शेप आएगी। इसके जितने कॉर्नर्स वगैरह होंगे उसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे और बिल्कुल इसको राउंड शेप दे लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर अपना पैटर्न जो है वो अपने ट्राउज़र के लिए फुल जितनी हमारे पास विड्थ है उतना ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने फ्यूजिंग ली है जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पर 4.5 इंचज़ ली है और ये उतनी ही है जितना हमारे पास पाइंचा है, ठीक है। और जो अब इसकी पेस्टिंग वाली साइड है उस साइड पर हमने ड्रॉ नहीं करना, दूसरी साइड पर हमने 1-1 इंच का ऊपर की तरफ से हमने 1-1 इंच पर मार्क लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सारी की सारी मार्किंग जो है और सारा जो हम ड्रॉ करेंगे अपना पैटर्न, ये हमने पेस्टिंग वाली साइड पर नहीं करनी। जो फ्यूजिंग की हम साइड चिपकाते हैं फैब्रिक पर उस साइड पर नहीं करनी। 1 इंच की लाइन लगा लेने के बाद हम इसका अपनी फ्यूजिंग का मिड निकाल लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, और इस मिड के ऊपर भी हम एक अपने स्केल के साथ सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हमने जो अपना पैटर्न एक रेडी किया था वो हम ऊपर और नीचे की साइड से रखेंगे और इसको हम यहाँ पर पूरे अपने इस पेस्टिंग के ऊपर जो है वो ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से फ्यूजिंग को करना है, फोल्ड करना है और इसका मिड निकाल लेना है और मिड के ऊपर अपने पेटल का मिड रखना है, ठीक है। मिड लाइन हमारी जो पेटल की है, जो हमारे पैटर्न की मिड लाइन है, वो हमने अपनी इस फ्यूजिंग के मिड पे रखनी है। ऊपर की तरफ से जो है हमने ये देखें ऊपर जो 1 इंच की हमने मार्किंग की थी उसके नीचे नीचे हमने अपनी पेटल रखनी है और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। हाफ पेटल हम ड्रॉ करेंगे जितना हमारे पास ये पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद निचली साइड पर जहाँ पर हमने अपना ख़त्म किया है ये पैटर्न, उसी के साथ हमने निचली तरफ से इस पैटर्न को रखते हुए दोबारा से ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। सो 1 बाय 1 हमने नीचे और ऊपर पेटल को इसी एक पैटर्न को रखते हुए हमने अपनी ये सारी ड्राइंग कंप्लीट कर लेनी है। मिड मार्क के दोनों तरफ इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। सो वो व्यूअर जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद हर न्यू आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये देखिए नीचे की साइड हमारे पास जितना हमने सारी की थी ड्राइंग अपनी की थी और पैटर्न बनाया था, निचली साइड से हमने सारे को सेपरेट कर देना है और ऊपर वाली साइड जो हमारे पास थी उसको हमने सेव कर लेना है। और अब ये देखें इस तरीके से हमारे पास फाइनल इसकी लुक आएगी और अब हम अपने पाइंचे के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है, अच्छे से उसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद तकरीबन थोड़ा सा एक सूजर का फासला छोड़ते हुए या एक पाउंड का फासला छोड़ते हुए हमने थोड़ा सा गैप देते हुए अपनी फ्यूजिंग से और बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
जैसे जैसे हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया था फ्यूजिंग के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है। बस थोड़ा सा हमने इसका डिस्टेंस रखना है अपने फैब्रिक का। और अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जहाँ पर हमारे पास राउंड थे पेटल के, वहाँ पर हमने डीप कट्स देने हैं यहाँ पर। थ्रू आउट पाइंची के ऊपर हमने इसी तरीके से डीप कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, और उसके बाद हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास कोई सी भी गम मौजूद है, स्टिक गम है, कोई ग्लू है, तो आपने उससे इसको जो है यहाँ पर अच्छे से लगाकर कॉर्नर्स के ऊपर, और उसके बाद इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी। ये काम आपने बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि आपकी पेटल्स की राउंड शेप जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तसल्ली के साथ आपने ये सारी की सारी वर्किंग करनी है। इसमें जब हम लोग अगर आपकी गम लगाए बगैर इसको प्रेस करेंगे तो फिर इतनी नीटनेस नहीं आती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टिचिंग बिल्कुल नीट हो, तो आपको यहाँ पर इस तरह की जो हम लोग कटवर्क करते हैं उसमें आपको स्टिक गम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से मैं इसको सारे को नीट कर लूँगी। ग्लू लगाते जाएंगे, एक ही बार हमने ग्लू नहीं लगा लेनी, वरना ग्लू जो है वो सूख जाएगी हमारी। थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाएंगे, और इसके साथ साथ हम इसको, ये देखें जो हमारे पास कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे हमने बिल्कुल अच्छे से फोल्डिंग करनी है। पहले एक तरफ से फोल्ड करना है, उसके बाद दोबारा से ग्लू लगाकर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, ताकि हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल नीट बने। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कितनी नीटनेस आ रही है इसमें। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारों पर इसी तरीके से गम लगाकर और इनको रेडी करते जाना है। इस तरह का काम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जिस टाइम आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप देखकर खुश हो जाते हैं। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास जितना भी हमने फैब्रिक था उसको अच्छे से अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हमारा पैटर्न जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। और इस सारी वर्किंग में हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस टाइम। तो एनी हाउ, यहाँ पर अब हम नीचे की तरफ जो है, यहाँ पर जो हमने कटवर्क कर लिया है यहाँ पर नीट करने के बाद, अब हम इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो पेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पर इसी तरह का ऑर्गेन्जा ले लिया है वाइट कलर में, आप चाहें तो नेट फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसकी जो लेंथ है हमारे पास 6 इंचेस है। और अब देखें ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा इसका मार्जिन रखना है, मार्जिन रखने के बाद ताकि हम ऊपर से भी इसको फोल्ड कर सकें ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, और उसके बाद हमने इसको पिनअप कर देना है। तकरीबन 1 इंच हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, जो हमने अपना सारे का सारा ये वर्किंग की है कटवर्क की, उससे ऊपर 1 to 1.5 इंच ऊपर रखते हुए। अब ये देखिए हमने इसको सारे को पिनअप कर दिया, ताकि हमारा ऑर्गेन्जा और हमारा कटवर्क आगे पीछे ना हो, बिल्कुल अच्छे से इसकी नीटली हम सिलाई कर सकें। तो यहाँ पर अब हमने इसके ऊपर ऊपर कॉर्नर्स के साथ साथ बिल्कुल नीट तरीके से हमने स्टिचिंग करनी है। नीट स्टिचिंग आपकी उस टाइम आएगी जब अपने स्टिच लेंथ को छोटा रखेंगे। यहाँ पे आपने अपनी स्टिच लेंथ को बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी नीट सिलाई आई है, क्लोजली आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद हमने अपनी सारी की सारी पिंसें यहाँ पर रिमूव कर लेनी है। पिंस रिमूव करने के बाद अब ये देखें जो हमने सिलाई लगाई है, आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं और बहुत ही एलिगेंट से लुक देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैक्रामा डोरी को ऊपर से सारी के ऊपर सिलाई कर देंगे। बिल्कुल जो हमने कॉर्नर पर सिलाई लगाई थी उसके ऊपर मडोरी रखते हुए और इस तरीके से गोलाई करते जाएंगे। इससे क्या है, अगर आपके पास कोई रफ़ एज होगा भी ना, तो वो भी कवर हो जाएगा।
अव्वल तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग इतनी नीट तरीके से की है कि कोई भी रफ एज या कोई कॉर्नर निकला हुआ नहीं है। गम स्टिक यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास स्टिचिंग में कोई एक्स्ट्रा कॉर्नर या एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं निकलेंगे। तो जी यहाँ पर हमने अपनी सारी मैक्रामा डोरी जो है इसके ऊपर अटैच कर लिया। देख सकते हैं कितनी ही एलिगेंट लुक आई है और कितना ईजी है ना ये घर पर बनाना। तो आप भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं इसकी। और अब हम इसको नीट करने के लिए नीचे से 2.5 इंच की चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है और इसको दोनों साइड से फोल्ड करके ज़ीरो की फ्यूजिंग लगाकर इसको प्रेस करेंगे अच्छे से और ये इसका हम पंचर रेडी करेंगे। ये देखिए प्रेस करने के बाद हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच बची है और जो नीचे की साइड हमारे पास फैब्रिक है जो हमने फोल्ड किया है उसको हमने थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा है ताकि हमारे पास सिलाई करते हुए इसके ऊपर सिलाई आए। सो अब जो हमारे पास नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसको हमने कट कर लेना है और इस ऑर्गेन्जा पैच को हमने अपने जो हमने पाइंचर रेडी किया है उसके बीच में रखते हुए इस तरीके से और ऊपर की तरफ हमने इसके सिलाई लगा देनी है। तो जी यहाँ पर हमारे पास ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा वो रेडी हो गया है। इसकी साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे, जो इसके थ्रेड वगैरह होंगे उसको भी रिमूव कर देंगे ताकि इसकी बिल्कुल नीट और क्लीन लुक आए। और नीचे की तरफ से जो हमारे पास ऑर्गेन्जा था हमने क्योंकि बढ़ा कर रखा था इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसे तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों ही हमारे पास नीट इसकी लुक आएगी। ये देख सकते हैं जी आप यहाँ पर हमारे पास ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो गया है और बहुत ही आसानी से घर पर आप इसको रेडी कर सकते हैं अपनी सादा सिलाई मशीन के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।